Assalamualaikum viewers, मैं उस्मान और आप देख रहे हैं द करी एक्सपर्ट। आज की एक और बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कुछ अलग सा चिकन कढ़ाई, जिसका नाम है चिकन शिकारपुरी कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़ेदार है। बताऊँगा आपको स्टेप बाय स्टेप। और ये आउटडोर लोकेशन है, गाँव में आया हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर हम बना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है। फॉलो कीजिए इसको स्टेप बाय स्टेप और देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देसी घी इसमें डालेंगे। आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट हमने ऐड करना है। ओके जी, तो ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन और उसके ऊपर मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, तो ये इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाह। तो ये चिकन में भून रहा हूँ, इसके बाद इसके अंदर जो हमारे स्पाइसेस। तो अच्छा सा सॉल्ट डाल के हम इसको भून रहे हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ओके जी, पेस्ट इसके अंदर जा रहे हैं, जिसमें लहसुन है, प्याज है और हरी मिर्च। इसको उबाल के पेस्ट बनाया, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ओके जी, ये शामिल करने के बाद इसको ज़रा अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी इसके अंदर बारी है मसाले की। तो मसालों में हमने लिया है कलवंजी, साबुत धनिया, हल्दी, ज़रा सा छुटकी भर जर्दे का रंग है, काली मिर्च है, दड़ा मिर्च है और ये कुल हमारी स्पाइसेस है जो इसके अंदर जा रहे हैं। ये डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं, टमाटर इस कढ़ाई के अंदर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो ये इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे और क्या हमने और इसके अंदर शामिल करना है वो आपको बताएंगे।
व्यूअर्स 20 मिनट बाद मैंने इसको खोला है, ये ज़बरदस्त सा गल चुका है। अब बारी है दूसरी चीज़ें उसमें हमने डालनी है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे इसके अंदर मैं शामिल करने जा रहा हूँ थोड़ी सी कसूरी खुश्क मेथी और थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल होगा। पांच चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें और शामिल कर देनी है साबुत और थोड़ी सी इसमें यूज़ करूँगा कलवंजी। तो व्यूअर्स ये मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार है और अब इसको मज़े से खाएंगे। बस सिंपल चीज़ों के अंदर हमने बनाई जो हमें अवेलेबल होती है और ये ज़बरदस्त सा हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार है। ये बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। ये थी आज की रेसिपी, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। एक अलग सी कढ़ाई आपको बनाकर दिखाई और बहुत ही मज़े किए। बिल्कुल अलग है, टमाटर वगैरह बिल्कुल इसमें नहीं पड़े, सिंपल सी चीज़ें लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। ट्राई कीजिए इसको अपने घर में और बताइए कैसे बना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।